प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सीधी की चुनावी सभा में कहा, कांग्रेस ने केंद्र में सरकार चलाते हुए गरीब और मध्यम वर्ग को लूटने का काम किया। टेलीकॉम कोयला घोटाला कर कांग्रेस ने आपके लाखों करोड़ों रुपए लूट लिए। आपके सेवक मोदी ने निष्ठा से काम किया, भाजपा सरकार में घोटाले बंद हुए। ये कोई रहस्य की बात नहीं रह गई है। कांग्रेस ने केंद्र में हमारे यहां सेवा काल शुरू हुआ उसके पहले 10 साल तक जो सरकार चलाई उसमें उसने गरीब और मध्यम वर्ग को लूटने का ही काम किया था। लेकिन आपके सेवक मोदी ने करीब 10 साल जो सरकार चलाई है आपकी सेवा में 10 साल पूरे लगन से समर्पित किए हैं, उसमें घोटाले बंद हुए हैं, गरीब और मिडिल क्लास की बचत हुई है, उन्हें अधिक सुविधा मिली। पीएम ने कहा, अनेक दशकों तक देश में पंचायत से लेकर संसद तक कांग्रेस का ही झंडा था, कांग्रेस की ही सरकारें थी, लेकिन आज गिनती के कुछ राज्यों में ही इनकी सरकार बची है। इनका ऐसा पतन इसलिए हुआ क्योंकि इनका नारा रहा है, गरीब की जेब साफ और काम हाफ, गरीब का पैसा गरीब के पास जाए, बिचौलिए लूटे नहीं, यही मोदी की विशेषता है। मध्य प्रदेश के जो युवा है ना, उसमें जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर है, जो पहली बार इस बार वोट डालने के लिए जाने वाले हैं, उनके सामने मैं गुत्थी रखना चाहता हूं। आप पहले सुलझाएंगे, पक्का सुलझाएंगे। अनेक दशकों तक देश में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही झंडा था, कांग्रेस की ही सरकारें थी, लेकिन आज गिनती के कुछ राज्यों में ही बची है। जरा सोचिए, गुत्थी सुलझाइए, ये इनकी बर्बादी ऐसी क्यों हुई, इनका ऐसा पतन क्यों हुआ? साथियों, वो इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस का नारा रहा है गरीब की जेब साफ, गरीब की जेब, गरीब की जेब और काम हाफ, काम हाफ जेब साफ। यूपी, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा, कितने राज्य गिनाओ मैं, एक बार कांग्रेस गई तो वहां के लोगों ने कांग्रेस को दोबारा घुसने नहीं दिया है। यहां एमपी में भी 2 दशक से अधिक हो गए जब कांग्रेस बहुमत के लिए तरस गई है। आज गरीब, दलित, ओबीसी और आदिवासी समाज समझ गया है कि कांग्रेस उनकी प्रतिनिधि नहीं है, कांग्रेस ने सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया है। साथियों, कांग्रेस का पूरा इतिहास देखिए, उन्होंने केवल उन्हीं को आगे बढ़ाया जो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते थे। एससी, एसटी, ओबीसी, इन समाज के प्रभावशाली नेतृत्व को कांग्रेस ने कभी उभरने नहीं दिया। इनकी ही दरबारी मानसिकता है जिसके कारण ये दिन रात, सुबह शाम बाकी सब काम भूल जाते हैं, एक काम कभी नहीं भूलते। आपने देखा होगा, कांग्रेस की विशेषता है, बाकी सब काम भूल जाएंगे, एक काम कभी भूलते नहीं है, और वो काम है सुबह शाम मोदी को गाली देना। एक ही काम, गालियां देते रहते हैं मोदी को, गाली दे दे देते ये पूरे ओबीसी समाज को गालियां देने लगे हैं। साथियों, जब भाजपा ने तय किया कि एक आदिवासी बेटी देश की राष्ट्रपति के रूप में हम चाहते थे, कांग्रेस ने तब उसका भी घनघोर विरोध किया। ये भाजपा ही है
जो एससी एसटी ओबीसी समाज की आकांक्षाओं का सम्मान करती हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएसटीवी, सीधी।